राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी की माला, जो कि आजकल इन ट्रेंड चल रही है। ये मैं रिबन की हेल्प से बनाऊंगी और कुछ मैंने पर्ल्स ले लिए हैं। आप कोई भी पर्ल्स जो आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी चीज़ में से बच गए हों, वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमें रिबन ले लेना है। आप 2, 3, 4 जितने कलर्स का चाहो उतने कलर्स का रिबन इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है वाइट रिबन लूँगी, इसके यहाँ पे मिड में इस तरह से इतने इतने गैप में थ्रेड नीडल को पास करूँगी इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से चुन्नटें बन जाएंगी। हमने यहाँ पे वाइट रिबन का सेक्शन पिरो लिया है। अब डिज़ायर लेंथ के हिसाब से जो है रिबन पिरो लीजिए थ्रेड में से। ये देखिए, ये इतनी लेंथ रह जाएगी क्योंकि चुन्नटें डल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक या दो आप पर्ल्स पिरो सकते हैं। ये देखिए, मैंने लॉन्ग वाले लिए हैं तो एक ही काफ़ी है, तो एक पर्ल डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये गोटा ऐड करेंगे बीच में। गोटे को भी हमने उसी तरह से रिबन के तरह से इंसर्ट करना है इस तरह से। गोटे का सेक्शन आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं, रिबन का भी छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने गोटे का इतना ही सेक्शन रखना है। तो हम ये रिबन जो है कट कर देंगे और गोटा भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। गोटा का सेक्शन ख़त्म होने के बाद हमने 2 पर्ल्स पिरो लिए हैं। अब हम रेड रिबन को पिरोएंगे। आप कितने भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप सेक्शंस छोटे कर दीजिए रिबन के, अगर आपको मल्टी कलर बनाना है या और कोई लेस या कलर का रिबन ऐड करना है। इस तरह से हम रेड रिबन को पिरो लेंगे। रेड रिबन हम कुछ एक्स्ट्रा पिरोएंगे क्योंकि हमें बाहर की साइड लटकन रखनी है, फ्रंट में जो माला के होती है। ये देखिए, रेड रिबन पिरोने के बबाद मैंने यहाँ पे 4-5 पर्ल्स पिरो लिए हैं। एक स्मॉल सा पर्ल पिरोना है एंड में, क्योंकि हमने थ्रेड यहाँ से वापस लेके जाना है। स्मॉल पर्ल को छोड़ के बाकी सारे पर्ल्स में से हमें ये थ्रेड नीडल वापस से निकालनी है इस तरह से, और इस रिबन से भी थोड़ी सी दूर में यहाँ तक। ये लटकन रह जाएगी माला के नीचे, जो एक साइड में लटकती है वो रह जाएगी। अब हमें सेकंड साइड में फिर अगेन रेड रिबन, देन पर्ल, देन गोटा, देन पर्ल एंड देन वाइट रिबन, यही प्रोसेस रिपीट करना है यहाँ तक। तो ये हमने रिपीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ के पर्ल्स लेंगे। ये हम 8-10 पर्ल्स पिरो के यहाँ पे जो है नोट टाई अप कर देंगे थ्रेड की यहाँ पे। तो ये माला हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये माला बनके कंप्लीट हो गई है। आप इसके साथ कोई भी जो है कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन। ये देखिए, ये मैंने रिपब्लिक डे के लिए बनाई थी, ये मैंने नॉर्मल बनाई है। इसमें मैंने आगे की साइड जो लटकन होती है वो नहीं रखी। ये पिंक कलर के रिबन में, ये रेड एंड वाइट कलर के सिंपल। पहनाने के बाद इस माला का लुक कैसा आता है मैं थंबनेल में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये आजकल इन ट्रेंड है, तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और कुछ भी मटेरियल नहीं लेना, सिर्फ रिबन है, जो कि आपको 10 रुपये का पूरा बंडल मिल जाता है, जिसमें 8-10 मीटर्स रिबन होता है, वो वाला रिबन इसमें यूज़ होगा। तो आप इजीली इन्हें घर पर ड्रेसेस के साथ जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।